हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स, दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन। अभी तक रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट किया है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लें आप, थोड़ा सा फील गुड होगा आपको ऑप्टिक्स के अंदर। तो आज अपन रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, और जो लोग पहली दफा आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटियां बजा लें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता चला जाए, राइट? तो सबसे पहला काम अपन क्या कर रहे हैं यहां पर, जो भी लोग पहली दफा आए हैं वो अच्छे से एक तो लेक्चर्स को देखें आप एंड तक देखें, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है एक्सपोनेंशियल फिजिक्स नाम से ही, तो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर मैं डाउट भी क्लियर करता हूं। सारे स्टूडेंट्स आपस में डाउट खेल रहे हैं, राइट? तो आप भी वहां डाउट खेलें, जल्दी आए, जरूर आए, और जल्दी से स्टार्ट करें। अपन आज के विचार की बात करते हैं। अपन आज का विचार क्या है? रिफ्रैक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, सपोज कोई, जब भी मेरे पास रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है ना, उस डेविएशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब इसमें दो कंडीशन होती है, या तो रे रेरर से डेंसर में जाएगी, या डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, है ना। रेरर मीडियम मतलब क्या होगा, जिसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसर मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट? तो जब आप रेरर से डेंसर में जाते हो, तो जो रे होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। सीधी जाने की बजाय कहां हो गई, ये जा कहां रही थी, सीधी जा रही थी एकदम, और कहां मुड़ गई, एकदम मुड़ गई टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट? तो यहां पर जो दो एंगल बनाएंगे, है ना, इसको तो अपन ने क्या बोल दिया, इसको अपन ने बोल दिया इंसिडेंट रे, दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोल दिया अपन ने, रिफ्रैक्टेड रे। जैसे वहां पर रिफ्लेक्शन था, यहां पर रिफ्रैक्शन है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टेड रे। और इसको ट्रांसमिटेड रे भी बोलते हैं, इसका एक नाम और होता है, ट्रांसमिटेड रे भी बोल देते हैं अपन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसको ट्रांसमिटेड रे भी अपन बोलते हैं। और नॉर्मल का, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ में एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल का किसके साथ में, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता ही है, बस यहां पर जो मेरे पास ये एंगल और आ गया मेरे पास, इसको अपन ने क्या बोल दिया है, आर। ये आर जो होता है वो क्या है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी लिख देता हूं मैं नीचे। इसी तरीके से अगर मेरे पास रे डेंसर से रेरर में जा रही है, तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, सीधी जाने की बजाय इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास आर हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर अगर आप देखें तो एंगल आई तो मेरे पास क्या हो गया, एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, और आर हो गया मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और एंगल यहां पर देख सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन, अपन ने वहां पर भी देखा था एक्चुअल डायरेक्शन से रे कितना, किसने एंगल से डेविएट हो चुकी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। एक्चुअल डायरेक्शन से कितने एंगल पर रे जा चुकी है, डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलते थे अपन, एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? ये आपको अच्छे समझ में, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन। अब यहां पर रिफ्रैक्शन जो होता है, अब आपके पास में कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयरर है, उसको अपन, उसकी इंफॉर्मेशन अपने को कहां से मिलती है, उसके रिफ्रैक्टिव, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता क्या है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर मुझे लिखना हो मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, है ना, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इसको लिखने का तरीका होता है टू म्यू वन, है ना। मीडियम नीचे जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वन का विद रिस्पेक्ट टू टू, इसको लिखोगे कैसे, म्यू वन अपॉन म्यू टू, राइट? इसको और अपन कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं आप, म्यू वन टू भी लिखते हैं, वन का विद रिस्पेक्ट टू टू, और इसको कैसे लिखते हैं, एन वन टू भी लिखते हैं, है ना, और एन वन टू भी लिखते हैं, लिखना है ना, लिखना एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए आपको, लिखना आना चाहिए, है ना, टू म्यू वन मतलब वन का विद रिस्पेक्ट टू टू, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, कैसे लिखोगे आप, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे लिखेंगे आप, ग्लास का है मतलब जो जिसका है वो नीचे, म्यू और ए ऊपर, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसकी वैल्यू याद रखेंगे आप, ये होती है मेरे पास 3/2। इस तरीके से मुझे लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर,
हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एयर भी कई बार क्या होता है, नहीं लिखा हुआ होता है, तो डिफॉल्ट ये क्या होता है मेरे पास डिफॉल्ट, अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं लिखा हुआ मतलब वो बाय डिफॉल्ट एयर के रिस्पेक्ट में ही है, है ना। कई बार बोलेंगे व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, तो यहां से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर आप देखोगे वाटर, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो क्या लिखोगे आप डब्ल्यू और ए ऊपर, तो ए म्यू डब्ल्यू इसकी वैल्यू होती है 4/3, इसकी वैल्यू होती है 4/3, है ना। अगर मैं यहां पर आपको बोल दूं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर मैं यहां पर क्या बोल दूं, ये एक और एग्जांपल हो गया, अगर मैं यहां पर क्या बोल दूं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर डब्ल्यू म्यू जी, जैसे यहां पर क्या लिखा था 2μ1 को क्या लिखा था म्यू वन अपॉन म्यू टू, तो डब्ल्यू म्यू जी को क्या लिखोगे जी ऊपर, है ना ग्लास का, तो ये आएगा मेरे पास क्या म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी मतलब ए म्यू जी, म्यू डब्ल्यू मतलब ए म्यू डब्ल्यू, बस इन दोनों को डिवाइड कर लें आप यहां पर, तो ए म्यू जी डिवाइड बाय ए म्यू डब्ल्यू, तो ये कितना है 3/2 / 4/3, ये आएगा आपके पास 9/8, राइट। ये मेरे पास क्या हो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गए, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है 1, एयर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, अगर मैं बोलूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट अपन क्या बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा 1, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर यहीं पे एक और लिख देता हूं मैं कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपन हमेशा क्या लेते हैं 1 लेते हैं, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, राइट, ये दो चीज अपने को याद रखनी है। देख नेक्स्ट अपने पास देखें क्या लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, जैसे अपने पास वहां पर लॉ थे यहां पर भी है, फर्स्ट लॉ तो मेरे पास वही सेम है, क्या कि मेरे पास इंसिडेंट रे, ये वापस वही नॉर्मल हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे जो तीनों के तीनों होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं एक ही प्लेन के अंदर लाए करते हैं, है ना। तो इंसिडेंट रे ट्रांसमिटेड रे एंड नॉर्मल, है ना, लाए इन सेम प्लेन, जैसे वहां पर देखा था अपन ने सेम वही, है ना, लास्ट वाला लेक्चर में देखा था उसको जरूर देख लें आप। उसके बाद में मेरे पास क्या दूसरा लॉ, दूसरे लॉ का नाम दिया गया है उसको बोलते हैं आप स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, सपोज मेरे पास एक रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मीडियम वन से मीडियम टू में कोई रे जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैं बोल देता हूं म्यू वन, इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या बोल दिया मैंने म्यू टू, तो इसमें ध्यान रखें आप मतलब म्यू टू मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ही है, बाय डिफॉल्ट एयर के रिस्पेक्ट में ही है, तो ये क्या लॉ क्या बोलता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर है, तो लॉ क्या बोलता है कि म्यू वन साइन आई, म्यू वन जिधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन, उधर का एंगल साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इक्वल्स टू क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है, और ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है वही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर आप देखोगे पर इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और सिंपल अगर यहां से इसको लिखो आप और सिंपल और इस तरीके से भी दिखेगा आपको कि साइन आई अपॉन साइन आर, अगर मैं लिखूं यहां से देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या आएगा म्यू टू अपॉन म्यू टू अपॉन म्यू वन, है ना, क्या हो गया ये कहां से वन से टू में गई, वन से टू के अंदर रह गई, इसको क्या लिखोगे आप वन म्यू टू, ठीक है, लिखना आना चाहिए अपने को सिंपल, जिधर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उधर का एंगल मल्टीप्लाई करें आप, है ना, उनके आपस में प्रोडक्ट जो होंगे वो क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे, दिस इज व्हाट लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन, दो लॉ है अपने पास, राइट। चलो नेक्स्ट अपन देखें यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब क्या हो गया कि किसी मीडियम के अंदर, ये मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट थ्री है, यहां पर कितने 30 डिग्री एंगल पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, तो रे जब बाहर निकलेगी तो कितने एंगल से बाहर निकलेगी वो मुझे मालूम करना है, उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर मीडियम से जब रे सेम मीडियम में निकल गया उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में लौट के आ गई, तो देखो यहां पर अब यहां पर सराउंडिंग में क्या एयर है, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1, तो रे जो होगी अब क्या होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल कर्व सर्फेस के लिए नॉर्मल क्या होता है द लाइन विच इज पासिंग टू द सेंटर, तो ये मेरे पास क्या आ गया ये रे क्या हो गई सीधी जाने की बजाय बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। तो ये मेरे पास एंगल जो होगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा दिस इज व्हाट आर, यहां से देखो ये वापस इस अब इस रे के लिए निकालो, इस रे के लिए नॉर्मल ये हो गया मेरे पास, अब इस रे के लिए नॉर्मल क्या हो गया ये हो गया मेरे पास, तो अब रे जो होगी वो क्या होगी डेंसर से रेडर में जा रही है, और जब डेंसर से रेडर में जाती है तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सीधी जाने की बजाय ये नॉर्मल है नॉर्मल से अवे, मतलब रे जो होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, तो नॉर्मल से जो भी एंगल बना दिस इज वॉट ई, ये ई मुझे यहां पर मालूम करना है, ई मुझे यहां पर मालूम करना है, तो देखो सिंपल यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ए पॉइंट और ये मैं दो पॉइंट दे देता हूं यहां पर, मैं ए और बी, मैं बोलता हूं सबसे पहले
एट ए, ए पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं, है ना। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, जिधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उधर का ही एंगल साइन 30 इक्वल्स टू, उधर एंगल मैंने क्या लिया है आर, और उधर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है रूट 3 साइन आर। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गई, साइन आर की वैल्यू आ गई, देखें आप साइन आर की वैल्यू, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2√3। अब देखो बी के, अब मुझे ई चाहिए, अगर ये वाला एंगल आ जाए मेरे पास तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, ई पता चल जाएगा, क्योंकि यहां पर वापस लेंस लॉ लगा सकता हूं। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि देखो इसकी दोनों साइड क्या है मेरे पास सेम है, ये रेडियस है और ये भी क्या है एक तरीके से रेडियस ही है, तो ये क्या आइसोसेलिस ट्राइंगल हो रहा है मेरे पास, आइसोसेलिस ट्राइंगल हो रहा है, तो ये दोनों एंगल जो होंगे मेरे पास क्या होंगे सेम होंगे, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया आर। तो वापस बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर लगाओ आप स्नेल्स लॉ, क्या बोलेगा, अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, मतलब सेम साइड के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एंगल एंगल लेना है, तो ये हो जाएगा रूट 3 साइन आर, है ना, इधर अंदर कितना है रूट 3 म्यू और साइन आर इक्वल्स टू बाहर कितना है म्यू की वैल्यू बाहर वापस कितनी 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ई, तो देखो यहां से साइन और साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी 1/2√3 इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास साइन ई, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो देखो ई कितना आ गया, ई कितना आ गया 1/2 मतलब 30 डिग्री, ये मेरे पास क्या आ गया ई आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट देखिए अपन यहां पर अपेरेंट डेप्थ, नेक्स्ट अपने पास क्या अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या हो गया, सपोज मेरे पास कोई मेरे पास एक कंटेनर है ना, कोई कंटेनर है, अगर आपको इसमें ध्यान हो, सपोज कंटेनर के बेस पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट अगर कुछ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा हमेशा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना, एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखाई देके अपने को थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस कंडीशन में, जब मेरे पास सराउंडिंग में क्या हो रेयर मीडियम हो और यहां पर क्या हो मेरे पास डेंसर मीडियम हो, मैं बोल रहा हूं यहां पर म्यू 1 है और इधर मीडियम मेरे पास म्यू 2 है और म्यू 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है म्यू 1 से ज्यादा है, तो देखो क्या होगा रे, एक तो रे ले रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट और एक रे ले रहा हूं बिल्कुल यहां पर कहां किसी एंगल पर अगर जा रही है, इस रे की अगर मैं बात करूं, इस वाली रे की बात करूं, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो क्या होगा इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सीधी जाने की बजाय इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो इसको अब यहां पर अगर आप देखोगे यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर है ना, यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर क्या कहते हैं इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा, बहुत सारी रे आ रही होगी यहां से और भी रे आएगी यहां से यू जाएगी, है ना, इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सारी इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा, अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा राइट, तो इस पॉइंट से आने वाली रे ऑब्जर्वर को कहां दिखाई देगी, किसी और पोजीशन यहां पर दिखाई देगी, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ओ की जगह मुझे कहां दिखाई देगा ओ डैश पे दिखाई देगा मेरे को यहां पर राइट। तो यहां पर मेरे पास जो अपेरेंट डेप्थ, तो ये जो डेप्थ आ रही ऑब्जेक्ट की इसको मैंने क्या बोल दिया डी डैश, और यहां पर एक्चुअल जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट की उसको क्या बोल दिया मैंने डी राइट, उसको मैंने क्या बोल दिया डी। तो यहां से अगर आप देखोगे जो डी डैश और डी का रेशियो आता है, फॉर्मुला ध्यान रखेंगे आप कि जो डी डैश अपॉन डी जो आता है वो रेशियो किसका इक्वल आता है, या डी डैश को अगर आप लिखोगे डी डैश की वैल्यू क्या कम आएगी, और डी डैश जो आएगा वो क्या आएगा डी अपॉन म्यू टू मल्टीप्लाइड बाय म्यू वन, है ना, म्यू टू अपॉन म्यू, एक्चुअली क्या होता है म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम होता है नीचे, है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसको क्या लिखोगे म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो ये फॉर्मुला आपको डायरेक्ट याद रखना है जो मुझे क्या देगा अपेरेंट डेप्थ देगा। इसमें बस एक चीज याद रखनी है म्यू वन जो है वो क्या है म्यू वन वह मीडियम उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जहां पर रेज जा रही है ना, रेज म्यू वन में जाती है, रेज म्यू वन में गोइंग, और म्यू टू मतलब क्या हो गया म्यू टू मतलब रेज म्यू टू से म्यू वन में गोइंग, या सिंपल अगर आप लिख लें यहां पर एक चीज ध्यान रख लें रेज जो होगी वो क्या होगी हमेशा म्यू टू से म्यू वन में जाती हुई दिखाई देगी, है ना, यहां पर एक स्टार चीज ध्यान रखें रेज गोइंग फ्रॉम, तभी ये फॉर्मूला लगाना है फ्रॉम म्यू टू टू म्यू वन, है ना, म्यू टू से म्यू वन की तरफ जा रही है, तब अपने को ध्यान रखना है डी डैश इक्वल्स टू एक चीज ये होगी, और दूसरी चीज जो होगी वो क्या होगी जो डी डैश और डी जो होंगे वो हमेशा कहां से मेजर होते हैं इंटरफेस से, ये मेरे पास क्या होगा इंटरफेस हो गया दो मीडियम का, है ना, डी, तो डी एंड डी डैश, डी एंड डी डैश मेजर्ड, अभी कुछ अभी क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा, मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस, ये दो चीज आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो नेक्स्ट अपन यहां पर क्या देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, यहां से आपको थोड़ा सा शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम क्लियर होगी, है ना, काफी कुछ चीजें मैं आपको यहां पर क्लियर कर पाऊंगा, देखें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्या निकालना है,
ये बर्ड है, एक फिश है, राइट? बर्ड बर्ड जब फिश को देखेगा तो फिश ऊपर उठी हुई दिखाई देगी. अपने देखा था भी अपेरेंट शिफ्ट. तो मुझे निकालना है अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, राइट? इसी तरीके से अगर फिश अगर बर्ड को देखेगी तो बर्ड भी तो उसको बर्ड उसको ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा. बर्ड जो होगा वो ज्यादा अपेरेंट ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा, है ना? सोच के देखें आप, है ना? अगर फिश को अगर बर्ड को देखना है तो बर्ड से आने वाली जो रेज होगी, बर्ड से आने वाली रेज जो होगी, सोच के देखें आप, ये फिश की तरफ जो आएगी वो रेडर से डेंसर, ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये बर्ड उसको फिश को कहीं ऊपर दिखाई देगा. तो अपना फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या है, जो फिश जब बर्ड को देखेगी तो 36 + 24 = 30 कितना हो गया, ये 30 और 20 = 50 = 60 से ज्यादा आंसर आएगा तेरा. और जब बर्ड फिश को देखेगी तो फिश ऊपर उठी हुई आएगी, मतलब इसका आंसर कम आएगा और उसका आंसर ज्यादा आएगा. थोड़ा समझ पा रहे होंगे आप? देखो करके देखते हैं अपन. अपेरेंट सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, सॉल्यूशन देखते हैं अपन. फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट के लिए मुझे अपेरेंट डेप्थ निकालनी है. फर्स्ट पार्ट के लिए डी क्या होता है मेरा, डी जो हो गया एक्चुअल डेप्थ कितनी होगी, 24, और म्यू टू से म्यू वन में रे जाएगी. म्यू टू से म्यू वन में जब बर्ड को देखना है तो रे इधर से उधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, तो मेरा म्यू टू क्या हो गया, है ना? म्यू टू इसको सीधा, तो म्यू टू हो गया मेरे पास कितना, म्यू टू हो गया 4/3 वाटर है, है ना? ये हो गया मेरे पास म्यू टू, म्यू टू हो गया मेरे पास 4/3 और म्यू वन हो गया आपका कितना 1. तो यहां से देखो डी डैश सीधा याद रखें आप, डी डैश इक्वल्स टू कितना होता है, डी होता है अपॉन म्यू टू होता है, याद रखें डी अपॉन 4/3 और म्यू वन, डी अपॉन म्यू टू होता है, ध्यान, डी अपॉन म्यू टू होता है. तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर. तो ये फिश जो होगी अभी 18 सेंटीमीटर जो है वो कहां से, इंटरफेस से, मतलब फिश मुझे यहां से कितना 18 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी. लेकिन मुझे बर्ड को देखना है तो बर्ड उसको, तो बर्ड का जो बर्ड का अपेरेंट बर्ड कितने पे दिखेगा, तो बर्ड का जो व्यू दिखना है अपने को, जो बर्ड जो व्यू करेगा वो कितने डिस्टेंस पर, 36. बर्ड से डिस्टेंस कितनी आएगी, 36 + 18 कितना हो गया, 36 = 46 = 56 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 54 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मीटर जो भी है यार ले लेना, है ना? ठीक है, बहुत कम ले लिया मैंने, आई थिंक. चलो मीटर में होगा तो मीटर में आंसर आ जाएगा, ये समझ में. अब मैं यहां पर देखता हूं क्या अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड. सेकंड देखें यहां पर, अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड, बर्ड ऑब्जर्व बाय फिश. जब फिश ऑब्जर्व करेगी तो रे इधर ऊपर से नीचे आएगी, है ना? इधर जब रे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऑब्जर्वेशन वहीं से होता है, तो ऊपर से नीचे आएगी, राइट? ऊपर से नीचे आएगी तो तेरा ये क्या, म्यू टू से म्यू वन में आती, तो ऊपर वाला म्यू टू हो जाएगा, नीचे वाला म्यू वन हो जाएगा. तो यहां पर अगर आप देखोगे डी डैश इक्वल्स टू, यहां पर डी कितना हो गया, इंटरफेस से डिस्टेंस. तो बर्ड ये मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फिश के लिए. तो ये मेरे पास इसका डिस्टेंस इंटरफेस से कितना है, 36. तो डी आ जाएगा यहां पर कितना, 36, और म्यू टू से म्यू वन, म्यू टू आपको पता है कितना 1, और म्यू वन कितना है 4/3. तो देखो यहां से डी डैश इक्वल्स टू कितना होता है, 36 / μ2 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो कितना हो गया ये, 48 सेंटीमीटर, राइट? लेकिन फिश से देखना है मुझे, फिश से मतलब ये 48 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा, मतलब यहां से ज्यादा हाइट पर 48 पर, लेकिन फिश से कितना हो जाएगा 48 प्लस, है ना, फ्रॉम फिश. तो ये अपेरेंट पोजीशन से रिफ्रेक्शन की वजह से पोजीशन शिफ्ट हो गई, तो फ्रॉम फिश कितना हो गया 48 + 24 कितना हो जाएगा, 48, 52, 72 सेंटीमीटर. ये क्या आ गया, राइट? दोनों देखो क्या हो गया, ये वाला आंसर ज्यादा आ गया, ये वाला आंसर कम आ गया. होप यू कुड अंडरस्टैंड, राइट? रेस का ध्यान रखना है. चलो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ये क्या है, आपके पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है, 10 सेंटीमीटर पर है. ये एक मेरे पास स्लैब है जिसका मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है. यहां पर मैंने कॉनकेव मिरर लगा दिया जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर का सेपरेट का मीडियम है, और 10 सेंटीमीटर इंटरफेस से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. आपको निकालना फाइनल इमेज ऑफ ओ सीन बाय आई. ये आंख जो होती है वो ऑब्जेक्ट के वही होती है, हमेशा ध्यान रखें आप. जब भी बोले ओ सीन बाय आई, आंख जो होती है भले यहां रखी, लेकिन उसको आप कहां लोगे, ऑब्जेक्ट के वही लोगे आप, राइट? हमेशा ऑब्जेक्ट के वही लो. अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे इसको करने का तरीका क्या होगा मेरे पास, अगर इसको देख पाए आप, देखो अब सोचें आप, अब मुझे फाइनल इमेज, अब आंख के पास फाइनल इमेज कहां से आएगी, इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज मिरर से टकराएगी, और मिरर से टकरा के जब वापस आएगी तो आंख की तरफ आएगी, तो वो एक्चुअल में फाइनल इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की. अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अब ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज मिरर की तरफ, तो मिरर से अब मुझे निकालना पड़ेगा मिरर से इमेज कितनी आ रही है ना, मिरर से इमेज कहां कितने डिस्टेंस पर बन रही है. अब मिरर से जो भी इमेज बनेगी उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहिए मिरर के लिए. देखो अगर ये नहीं होता तो यू की वैल्यू क्या होती, 10 + 45 कितनी होती, सिंपल 55 सेंटीमीटर. लेकिन इसके आने की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या होता है, शिफ्टिंग होता है,
है ना, तो यहां से मेरे को निकालना पड़ेगा सबसे। देखो अगर मैं सॉल्यूशन देखूंगा तो सबसे पहले अगर मुझे इमेज निकालनी है तो पहले मुझे निकालनी पड़ेगी अपेरेंट पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, अपेरेंट पोजीशन ऑफ ओ किसके लिए, फॉर मिरर, मिरर के लिए, क्योंकि इमेज निकालनी तभी मेरा काम हो पाएगा। तो यहां से देखो क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, अब इसके लिए मेरे को डी डैश, अब इसके लिए देखोगे ओ से रे कहां जा रही है, म्यू टू से म्यू वन में, है ना, रे इधर जा रही है तो म्यू टू से म्यू वन में हमेशा रे जाएगी, तो डी डैश, तो डी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, डी, डी कितना होता है, डी होता है मेरे पास इंटरफेस से डिस्टेंस, ये इंटरफेस, इंटरफेस से डिस्टेंस कितना है 10, 10 डिवाइडेड बाय म्यू टू होता है, म्यू टू कौन है सराउंडिंग में, सराउंडिंग में म्यू कितना है 1, तो म्यू टू अपॉन 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय कहां जा रही है 1.5 में, ये 1.5 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया ये 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरी अपेरेंट पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की, 15 सेंटीमीटर क्या आ गई मेरे पास अपेरेंट पोजीशन आ गई ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मिरर को ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं दिखाई देके कहां दिखाई देगा 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां कहीं दिखाई देगा, ये मेरे पास क्या हो गया ओ डैश 15 सेंटीमीटर पे। अब क्या हो गया, अब यहां पर देखो मिरर, अगर मुझे मिरर फॉर्मूला लगाना है ताकि मेरे पास वी निकल गया है, तो मेरे को मिरर फॉर्मूला लगाना है, तो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर मुझे वी निकालना है तो वी इक्वल्स टू क्या होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ यू, यू कितना हो गया, अब इस ओ डैश की डिस्टेंस कहां से मिरर से कितनी हो गई 45 प्लस 15, है ना, ऑब्जेक्ट ओ पे नहीं रहा ओ डैश पे आ गया, तो 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, लेकिन माइनस 60 आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, नेगेटिव लेते हैं अपन, एफ फोकल लेंथ एफ कितनी 20 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव, कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी मेरे पास नेगेटिव, तो माइनस 20 अपॉन माइनस 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 20, कितना आ गया मेरे पास ये देख लो, यहां पर ये कितना हो गया माइनस 42, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 30 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर, मतलब इससे बनने वाली जो इमेज है कितने माइनस 30 सेंटीमीटर, कहां से पोल से, तो पोल से ये मेरे पास बन रहा है वी, है ना, ये मेरे पास क्या हो गया वी, ये वी की वैल्यू आ गई मेरे पास कितने पे माइनस 30 सेंटीमीटर पे, तो ये मिरर से इमेज बनी, लेकिन क्या ये वी यहां पर जो इमेज बन रही है यहां पर जो एक्चुअल में, हाँ मतलब ये इमेज पॉइंट है, क्या ये इमेज एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को क्या इतनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा क्या, नहीं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और वो ऊपर उठा हुआ जितना दिखाई देगा वही उसकी फाइनल इमेज होगी, तो कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो मुझे यहां पर वापस अपेरेंट शिफ्ट इन द इमेज पोजीशन निकालना पड़ेगा, तो यहां से अपेरेंट शिफ्ट, अपेरेंट शिफ्ट इन इमेज पोजीशन, है ना, ये किसके लिए, किसके लिए, फॉर ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर के लिए, अब यहां पर अपेरेंट शिफ्ट निकालना है तो मेरे पास क्या है, अब रे कहां से कहां जा रही होगी, अब ये इमेज को किसको देखना है, ऑब्जर्वर को देखना है, अब रे कहां से इधर से इधर जा रही होगी, तो इधर वाला म्यू टू हो गया और ये वाला मेरे पास क्या हो गया म्यू वन हो गया, तो अब डी डैश निकालो, डी डैश क्या होगा इंटरफेस से डिस्टेंस होता है हमेशा डी, अब डी क्या है ये डी, ये वाली डिस्टेंस देख लो कितनी हो गई, ये इमेज ये कितना है वी कितना है मेरे पास, ये कितना हो गया वी हो गया ना, ये मेरे पास वी हो गया, वी कितना है 30, नेगेटिव में लिया मैंने ये डिस्टेंस क्योंकि मेरे पास नेगेटिव है 30, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 30 15, तो डी डैश, तो डी कितना हो गया 15, फॉर्मूला क्या होता है डी अपॉन म्यू टू होता है, याद रखे आप डी अपॉन डी अपॉन म्यू टू, म्यू टू कौन है अंदर वाला 1.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाला 1, तो कितना हो गया ये डी डैश कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, डी डैश कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये भी कहां से होगा इंटरफेस से होगा, मतलब इंटरफेस से यहां पर है ना ये मेरे को दिखाई देगा कौन आई डैश, है ना 10 सेंटीमीटर पे, लेकिन आंख को कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, आंख जो है वो का इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन ही आंख वाली पोजीशन होती है, तो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो फाइनल क्या पूछा जाएगा, फाइनल इमेज, तो फाइनल इमेज जो होगी है ना, फाइनल इमेज जो बनानी है आपको कहां, हमेशा कहां से, फ्रॉम आंख, मां की आंख, फ्रॉम आई, कितनी बन जाएगी मेरे पास आई, फ्रॉम आई बोलो या फ्रॉम ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है, हमेशा ध्यान रखें आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और 10 पे आई डैश है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, सो 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर, राइट, होप यू अंडरस्टैंड, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट करें अपन यहां पर, नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट, सही है यार, सही लग रहा है यार, आज जच रहा हूं यार मैं, ओके करें स्टार्ट, चलो तुम लोग मुझे भटका देते हो यार बार बार थोड़ी देर में, चलो नेक्स्ट अपन करते हैं यहां पर, क्या देखो नेक्स्ट अपने पास क्या, कई बार होता है स्टार्स जो होते हैं है ना एग्जाम के अंदर रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहां से स्टार्स जो होते हैं वो अपनी एक्चुअल हाइट से ज्यादा हाइट पे दिखाई देते हैं, सन जो होता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सन भी एक तरह का क्या स्टार है, तो जब भी आप किसी भी स्टार को देखोगे तो उसकी जो पोजीशन होती है एक्चुअल में, जैसे अपने बर्ड देखा था, बर्ड वाला क्वेश्चन क्या था, फिश को बर्ड हमेशा ज्यादा हाइट पे दिखाई देगा, तो स्टार्स भी जो ऊपर जो है वो भी अपने को ज्यादा हाइट पे दिखाई देंगे, सिंपल, क्योंकि अर्थ का जो बीच में एटमोस्फियर आ रहा है,
तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक शिफ्टिंग आएगी, एक अपेरेंट शिफ्टिंग आएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन इज द रीजन बिहाइंड शिफ्टिंग इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स. तो एक्चुअल हाइट से ऊपर हाइट पे दिखाई देते हैं. इसी वजह से अपने पास एक आता है सन राइजेज अर्लियर एंड सेट्स बट टू मिनट लेटर, दो मिनट का डिफरेंस होता है ना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा. चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की. लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर दो एक स्लेब ऐसी है जिसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, तो इससे जाने वाली रे, तो जब भी रे इंसिडेंट होगी और जब वापस बाहर निकलेगी, तो जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है, इसको अपन क्या बोलेंगे अब, इमर्जेंट रे, क्योंकि एंगल ऑफ इमर्जेंस था, इसको अपन ने क्या बोल दिया, इमर्जेंट रे. तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है. तो यहां से एक चीज अपने को समझ में आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. राइट right? एक चीज ये क्लियर हो गई. कैसे हुई है ना, इंसिडेंट रे फिर क्या हो, रेरर से डेंसर में जाएगा तो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर डेंसर से वापस रेरर में आएगा तो इट विल अवे, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. भाई कौन गया यार, ठीक है. तो यहां से दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी. इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपके पास सामने आ जाएगा, आई और ई इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इसके बाद में मेरे पास आता है अब लेटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं, तो जो परपेंडिकुलर दोनों के बीच का सेपरेशन होता है, ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन होता है, लेटरल शिफ्ट का डेरिवेशन अगर आप करोगे तो लेटरल शिफ्ट आपके पास, भाई मेरे यार ये तार इतने उलझ जाते हैं उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, टी, ये आता है डी इक्वल्स टू टी, अगर मेरे पास विड्थ है तो टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर. राइट, ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद रखना है. ठीक है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, आर ये हो गया, सब कुछ दिख रहा है अपने को. कई बार क्वेश्चन आता है लेटरल शिफ्ट फॉर मल्टीपल लेयर्स, अगर एक दो तीन बहुत सारी लेयर्स आ जाए, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन बोल देता हूं, इसका मैं म्यू टू बोल देता हूं, टी वन टी टू हो गया, तो हर एक का इंडिविजुअल शिफ्ट जो है उसको क्या कर दो, आप ऐड कर दो. राइट, तो लेटरल शिफ्ट तो टोटल, तो डी टोटल अगर आप निकालोगे इंडिविजुअल, फर्स्ट का जो शिफ्ट होगा वो क्या होगा, पहले वाले की विड्थ टी वन, वन फॉर्मूला क्या, टी वन, टी वन साइन है ना आई माइनस आर वन, ये आर वन आपका ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, ये हो गया आर वन अपॉन कॉस आर वन, प्लस दूसरे वाले का शिफ्ट लिखना है टी टू साइन, इसमें वापस एंगल वही लेना है आई, आपको एंगल एंगल हमेशा वही लेना है, बस आर चेंज होता चला जाएगा. ये आर जो है मेरे पास क्या है, अब यहां पर जो आर जो होगा दूसरा होगा वो आर टू, आर टू क्या है, सेकंड लेयर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. तो सेकंड लेयर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन मेरे पास ये आ गया, ये क्या होगा मेरा आर टू. ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन आई, आई ही लेना है साइन आई माइनस आर टू, फॉर्मूला याद रखें आप डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय कोस आर टू. अगर थर्ड लेयर आ जाएगी तो भी इसी तरीके से चलेगा. तो ये टोटल शिफ्ट आ जाएगा, ये डी टी सभी लेयर की वजह से. राइट, इसके बाद देखिए अपन शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से कितना शिफ्ट होता है वो मुझे निकालना है. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट, अगर आपको ध्यान हो ऑब्जेक्ट जो होगा ऊपर से देखोगे तो ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा मुझे, एक हाइट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कितना, इसको अपने डी डैश बोला था इंटरफेस से, डी डैश बोला था, डी डैश क्या आया था इसकी, ये क्या है, रियल डेप्थ टी डिवाइडेड बाय म्यू टू. रे कहां से, इधर से ऊपर जा रही है, ये वन है और ये मेरे पास क्या है, सपोज ये म्यू है ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, मेरे पास म्यू है, तो ये वाली डेप्थ कितनी आ जाएगी, टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू टू होता है, म्यू टू क्या है म्यू और म्यू वन क्या है वन, तो क्या आएगा सिंपल टी अपॉन म्यू, टी अपॉन म्यू. अब शिफ्ट जो होता है वो क्या, ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितने से शिफ्ट हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजिशन एक्चुअली कितने से शिफ्ट हुई, तो इतने से शिफ्ट हुई, तो ये कितना हो जाएगा, टी में से टी बाय म्यू को माइनस कर दो, तो टी माइनस टी बाय म्यू, तो शिफ्ट कितना आ गया, टी मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वन बाय म्यू. राइट, ये अपने को ध्यान रखना है. अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भली ऑब्जेक्ट बाहर भी क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी क्यों ना हो, इस स्लेब का जो शिफ्ट का फॉर्मूला होगा वो हमेशा टी के ऊपर डिपेंड करेगा, टी और म्यू के ऊपर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी डिपेंड नहीं करता है. तो यहां पर चीजें ध्यान रखनी है आपको कि एस नॉट नॉट डिपेंड है ना, इंग्लिश में ना जाए, डज नॉट डिपेंड वगैरह नहीं, नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट पोजिशन, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हमेशा सेम रहेगा. उसके बाद दूसरा, अगर मेरे पास शिफ्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, शिफ्ट की एस की वैल्यू क्या आएगी अगर पॉजिटिव, तो डिपेंड करेगा ना म्यू मेरे पास क्या है, कम है या ज्यादा है. अगर एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा. तो शिफ्ट जो लेना है, तो एस विल बी, शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रे, इन द डायरेक्शन ऑफ रे,
ऑब्जेक्ट से रे कहां से निकल रही होगी? ऑब्जेक्ट से निकल रही होगी, तो ऑब्जेक्ट से जहां रे निकल रही तो डायरेक्शन में ही शिफ्ट आएगा। अगर मेरे पास क्या आ जाए, एस मैंने क्या ले लिया, अगर नेगेटिव ले लिया, एस अगर ले लिया कि आ गया, तो एस जो होगा, एस विल बी कहां पर, इन विल बी अपोजिट टू रे, है ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करना है, शिफ्ट करना है। अब देखो कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट, अब मेरे पास ये एस की वैल्यू आ गई, सपोज मैंने फॉर्मूला लगा लिया एस, अब ये एस किधर आएगा भाई, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? तो एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, देखो यहां पर वन अपॉन म्यू देखोगे आप, ये लेस देन वन आएगा, तो इस एस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखो कहां शिफ्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ। यहां से देखने पर ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो रे की डायरेक्शन में शिफ्टिंग आ रही है जब एस पॉजिटिव है तो। और अगर ये नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव कब आएगा, जब म्यू की वैल्यू क्या हो, वन से भी कम हो, वन से कम होती नहीं है, या सराउंडिंग में क्या डाल दूं मैं, पानी डाल दूं, है ना, बाहर मेरे पास क्या डेंसर मीडियम आ जाए, अंदर एरर आ जाए, तो एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो वही ऑब्जेक्ट जो होगा वो नीचे दिखाई देगा आपको, राइट, ये शिफ्टिंग हो गई। अब इसके बाद मैं मल्टीपल लेयर की शिफ्टिंग देखनी हो, जैसे मेरे पास मल्टीपल लेयर की शिफ्टिंग देखी, शिफ्टिंग ड्यू टू मल्टीपल लेयर, है ना, शिफ्टिंग ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर की वजह से शिफ्टिंग देखनी, बहुत सारी लेयर्स आ गई इसी तरीके से, है ना। इसी के लिए मैं, अगर मैं मल्टीपल लेयर्स की शिफ्टिंग निकालू तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो एस टोटल, ये एस टोटल मेरे पास क्या आएगा, हमेशा फॉर्मूला लगाया आप सीधा, टी वन वन माइनस वन अपॉन म्यू वन, दिख रहा है फॉर्मूला, ये है ना, टी वन और ये म्यू वन, और प्लस टी टू वन माइनस वन अपॉन म्यू टू, है ना, सीधा ये मेरे पास टोटल शिफ्टिंग आ जाएगी, इस तरीके से निकाल लेंगे आप। देखो इस पर क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या बीच में एक स्लेब है जिसका म्यू 1.5 है, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, स्लेब की विड्थ दी हुई है 15, और मिरर यहां पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी 40 सेंटीमीटर, आपको निकालना फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की फाइनल पोजीशन निकालनी है। देखो इमेज अगर मेरे पास यहां पर, अब सही हो जाए, अगर मेरे पास ये स्लेब नहीं होती तो सीधा फॉर्मूला v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f, खत्म कहानी। लेकिन जैसी स्लेब आ रही है तो u u नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी वो स्लेब की वजह से शिफ्ट हो जाएगी, है ना, मिरर को देखना है, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की अपेरेंट पोजीशन चाहिए मुझे, तभी मैं v इक्वल्स टू क्या लगा पाऊंगा, uf अपॉन u माइनस f, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपेरेंट पोजीशन, है ना, अपेरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, है ना, मिरर के लिए अपेरेंट पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, तो शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी, तो शिफ्टिंग निकालो, शिफ्टिंग कितनी हो रही है यहां से, s, s का फॉर्मूला क्या, t, t कितना है 15, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू कितना है 1.5, देख कितना आ गया ये 1.5 मतलब 5, ये आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर, शिफ्टिंग कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, और शिफ्टिंग कहां करनी है हमेशा, और रेज की डायरेक्शन में, रेज ऑब्जेक्ट से रे कहां निकलेगी, इधर निकलेगी, तो यहां पर शिफ्टिंग, तो 5 सेंटीमीटर मेरे पास कहां आएगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर को यहां नहीं दिखाई देके थोड़ा सा इधर दिखाई देगा मुझे, यहां के दिखाई देगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओ डैश, समझा गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ओ रे की डायरेक्शन में, एस पॉजिटिव है इसलिए रे की डायरेक्शन में, राइट, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये मेरे पास कितनी होगी 5, यही तो शिफ्ट है ना, इसकी वजह से शिफ्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना शिफ्ट है। अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर को कहां दिखाई देगा, ओ डैश पे। अब यू देखो यहां पर, अब मुझे वी निकालना है, वी इक्वल्स टू क्या होता है आपका, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू, अब एक्चुअल में यू कितना है, यहां से देखना पड़ेगा, तो मिरर से कितना, 25 प्लस 15 40, 40 और 20, है ना, ये 25 है ना टोटल, तो 25 प्लस 15 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, और कहां है, मिरर के फ्रंट में है, तो माइनस का 60, तो माइनस 60, और फोकल लेंथ क्या, कॉनकेव मिरर है इसलिए मेरे पास क्या आएगा, माइनस 40 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 60, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा मेरे पास माइनस 60 प्लस 40 कितना हो गया, माइनस 20, तो कितना आ गया, इससे इसको काट दो बार कट गया, तो ये v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 120 सेंटीमीटर। अब ये v क्या आ गया, माइनस का 120 सेंटीमीटर, मतलब अब इमेज, इमेज तेरे को कहां दिखेगी, इमेज कहां बनेगी, माइनस 120 सेंटीमीटर पर। लेकिन अब यहां से जो रे होगी एक्चुअल में क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ क्या बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन मुझे फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, तो वापस शिफ्टिंग आएगी इमेज की, है ना, अब वापस जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वही, दो बार शिफ्टिंग लगेगी, जैसे वहां पर भी लगी थी, तो यहां पर भी दो बार शिफ्टिंग है, तो यहां से वापस मेरे को निकालना है अपेरेंट पोजीशन ऑफ इमेज, जो कि मेरी फाइनल इमेज बनेगी। अब देखो रे कहां इधर से आ रही होगी इमेज के लिए, जब रे इधर से आ रही होगी, है ना, और फाइनल इमेज मेरी कहां बन रही है, फाइनल इमेज आई यहां पर बन रही है, कितने पर, ये पोल है, कितने डिस्टेंस पर, पोल से 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर।
अब शिफ्ट जो होता है वो क्या होगा, हमेशा रे की डायरेक्शन में। एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, कहां गया, एस की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो रे की डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा मतलब 5 सेंटीमीटर और इधर, मतलब आई डैश तेरा यहां पर आएगा 5 सेंटीमीटर आगे, राइट। तो पोजीशन ऑफ, तो फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई, तो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कितनी आएगी, 120 प्लस 5 कितना आएगा, 125 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट, या माइनस 125 लिख लें आप जैसे भी, एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। करें स्टार्ट, नया टॉपिक देखो। नेक्स्ट अपने पास क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड के अंदर भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर मिलेगा और यहां पर भी मिलेगा। होता क्या है कि जब भी कोई रे एक डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, पहली कंडीशन डेंसर से रेयर में ट्रेवल करनी चाहिए, राइट, तो क्या होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रिटिकल एंगल, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जब रे इंसिडेंट होती है तो इट ग्रेजेस अलोंग द सरफेस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग। इस तरीके से जब रे जब इंटरफेस के अलोंग जब जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग, है ना। कितना एंगल कितना हो गया यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तो उस केस में जो भी एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर मैं रे को इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा पे इंसिडेंट करवा दूं तो रे जो होगी वापस क्या होगी, उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाएगी। इसी फिनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। अब फिगर टू की बात करें, अगर अपन फिगर टू की अपन में बात करूं तो फिगर टू के लिए अगर मैं स्लेंस रूल लगाऊं, अगर यहां पर मेरे पास क्या है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू टू साइन आई सी इक्वल्स टू म्यू वन साइन 90। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आई सी इक्वल्स टू म्यू टू नीचे लेके जा रहा हूं मैं, है ना, म्यू टू नीचे नीचे ले और म्यू वन उसके नीचे, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो सिंपल इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन आई सी इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू। यहां पर म्यू जो है वो क्या है, म्यू क्या है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम टू का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। म्यू जो है वो क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, है ना, याद रख, सीधा मैंने म्यू लिखा याद रखने के लिए, क्योंकि कई बार सराउंडिंग में क्या है, जनरली वैसे एयर ही होता है तो म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो म्यू टू क्या आ जाएगा, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, मीडियम वन जो है वो क्या है आपका, जो भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, एक मिनट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन नहीं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, है ना, मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन, और मीडियम टू जो है आपका क्या है, डेंसर है, मीडियम टू जो है वो क्या है, दिस इज वॉट मीडियम टू एंड दिस इज मीडियम वन, राइट। चलो नेक्स्ट अपन देखें, यहां पर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर रिलेशन लिखना भूल गया था मैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो किसका होता है, अगर आपको ध्यान हो, देखो रेरर के अंदर हमेशा स्पीड कम होगी और डेंसर के अंदर अपने पास क्या होती है, स्पीड हमेशा क्या होती है, सॉरी, रेरर के अंदर स्पीड, जो भी लाइट ट्रेवल करती है रेरर मीडियम में उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है ना, उसकी स्पीड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब अगर आप मैं म्यू टू अपॉन म्यू वन लिखूं तो ये रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, वी वन अपॉन वी टू, ये स्पीड के इनवर्स रिलेशन में, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जब लिखोगे, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, स्पीड जब लिखोगे, अगर मुझे म्यू टू लिखना है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट मीडियम वन इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम टू। और v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी f लैम्बडा, v इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऐसा पैरामीटर होता है जो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, अपने को पता है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। जो फ्रीक्वेंसी, जो यहां पर एक चीज अपने को क्या सीखने को मिली, जो फ्रीक्वेंसी जो होती है नेवर डिपेंड्स अपॉन मीडियम, इसलिए यहां पर कैंसिल हो गया, तो नेवर, है ना, डिपेंड्स ऑन मीडियम, समझ में आ गया। अब देखो यहां से आईसी का रिलेशन म्यू के साथ में क्या आ गया, मतलब आईसी लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, आईसी क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू का स्पीड के साथ में, म्यू का स्पीड के साथ में वापस क्या, इनवर्स रिलेशन है, है ना, म्यू और वी का इनवर्स रिलेशन, और वी का लैम्बडा के साथ में डायरेक्ट रिलेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में आपको काम आएगा, इसको एकदम हमेशा याद रख लें आप अच्छे से, ठीक है। अब देखो TIR फॉर विबग्योर, अगर मैं विबग्योर की बात करूं, विबग्योर में क्या होता है, लैम्बडा इंक्रीजेस, मतलब R का लैम्बडा विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉयलेट, है ना, रेड का जो लैम्बडा होगा वो हमेशा वॉयलेट से ज्यादा होगा। अब देखो लैम्बडा को अगर मैं इंक्रीज, अगर मेरे पास लैम्बडा, अगर मैं R की बात कर रहा हूं तो लैम्बडा अगर R का ज्यादा है तो आईसी किसके लिए ज्यादा होगा, आईसी और लैम्बडा का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो आईसी फॉर रेड कलर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आईसी फॉर वॉयलेट कलर। अब सोच के देखिए, जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल होगा
तो टीआईआर होने की संभावना है जो होगी वो रेड में क्या होगी, कम होगी। क्यों? सोच के देखें, आईसी, अगर ये आईसी एंगल बहुत ज्यादा ले लू अगर मैं, तो जो भी इंसिडेंट रे होगी, इंसिडेंट रे की टीआईआर करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि आईसी क्या है, ज्यादा है। लेकिन आईसी अगर बहुत छोटा ले लू तो ऐसी बहुत सारी रेज की पॉसिबिलिटी बनेगी जो आईसी से ज्यादा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। तो जितना कम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीआईआर विल बी लेस। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीआईआर फॉर रेड जो होती है वो क्या होती है, हमेशा लिस्ट होती है, राइट। चलो नेक्स्ट अपन देखें एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। ये अलग अलग एप्लीकेशन है जो मैंने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है। स्पार्कल ऑन डायमंड्स, डायमंड जो होता है वो स्पार्कल करता है, स्पार्कल्स है ना, जो भी डायमंड का जो शेप होता है एक्चुअल में क्या होता है, जब रे अंदर जाती है लेकिन जब वापस बाहर लौट के आती है तो अपन इसकी एजेस इस तरीके से बनाते हैं कि वो अंदर ही क्या करती है, टीआईआर हो जाता है उसके अंदर। टीआईआर मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं कि जो आई हमेशा ग्रेटर देन आईसी मिलेगा, और आई जब ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम आईसी मिलेगा तो क्या होगा, अंदर ही वापस क्या होगा, सक्सेसिव टीआईआर होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, सपोज यहां पर इंसिडेंट हुआ और बाहर निकल गई, तो जब आपकी आंख यहां पर है, जब आप यहां से देख पा रहे हो तो आपको रोशनी बाहर आती हुई दिखाई देगी, तो कभी कभी क्या होगा, तो उसको घुमाते हो, हिलाते हो, तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, स्पार्किंग ऑफ डायमंड। उसके बाद मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन। मिराज क्या, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है जो रेगिस्तान में रोड पर है ना, रोड पर पानी, पानी जैसा दिखाई देना, या रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में पानी दिखाई देना, ये सब क्या ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, ये कब, रोड पर पानी कहां पर, समर के अंदर, ये भी समर में ही दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि भाई कहीं भी चले गए रोड पे खड़े होकर पानी दिख नहीं रहा है मुझे, है ना, दूर से जाते तो एक्चुअल में होता है कि रोड का टेम्परेचर कम होता है तो वहां डेंसिटी क्या होती, कम होती है। तो जब रे ट्रेवल करेगी, कम डेंसिटी मतलब क्या हो गया, रेयर मीडियम, तो जब भी रे ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर, तो क्या होगा, टीआईआर की कंडीशन होने की चांसेस है, क्योंकि डेंसर से रेयर जाएगी, और जब कंडीशन क्या हो जाए, आई ग्रेटर देन आईसी, तो रे वापस ऊपर लौट के आ जाएगी, ऐसे गई रे, राइट। तो सामने, समझ में आ रहा है, यहां पर सपोज मेरे पास सामने पेड़ है, तो पेड़ से आने वाली रे वापस नीचे जाके वापस मेरी तरफ आएगी, आंखों की तरफ आएगी, तो समझ में आ रहा है, तो पेड़ मुझे वहां नहीं दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा, और नीचे दिखाई देगा इसका मतलब क्या, उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी मिरर इमेज मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लगेगा वहां पानी है, ऐसा कुछ होता है, आपको याद है ना, ये आता है। उसके बाद है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो एंगल क्या हो, 45 डिग्री, बाकी दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या, 90 डिग्री। तो इसका काम क्या है, इसके अंदर भी वही टीआईआर होता है। ये ग्लास का, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या मिलेगा, 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन मुझे आईसी मिलती है इसके अंदर, मैक्सिमम टाइम मुझे ग्रेटर देन आई, तो जब भी रे इंसिडेंट होगी आई विल बी ग्रेटर देन आईसी, तो क्या होगा, मीडियम रे क्या होगी, वापस उसी मीडियम में लौट के आ गई, तो रिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर भी क्या, वापस रे उसी मीडियम में लौट के आ गई, वापस डेंसर से रेडर में जा रही, उसी मीडियम में लौट के चली गई। यहां पर देखें आप, रेडर से डेंसर में तो रिफ्रेक्शन हुआ, लेकिन जब रे डेंसर से रेडर में जा रही है तो उसी मीडियम में लौट के चली गई, डेंसर से रेडर में जा रही है, लेकिन यहां पर मेरे पास क्या, एंगल आई ग्रेटर देन आईसी नहीं है, इसलिए मेरे पास यहां पर क्या हो गया, रिफ्रेक्शन हो गया। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। इसमें एक्चुअल में काम क्या है इसका, कोई भी रे जो होती है उसको 90 डिग्री से शिफ्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 90 डिग्री शिफ्ट कर दी, 180 डिग्री से शिफ्ट कर दी, ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं, है ना, एक तो ये इसकी तरह, इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर तो क्या, मेरे पास ऑब्जेक्ट यहां था, रिफ्लेक्ट होकर यहां मिला मुझे, इन्वर्ट होके। थर्ड वाला केस क्या है, अगर अलग अलग पोजीशन नहीं है, सारी प्रिज्म की अलग अलग पोजीशन है, इस पोजीशन में देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट था मेरे पास और इसी लाइन में आगे इन्वर्ट होके मेरे को दिख जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसको अपन इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, इस पोजीशन को अपन इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, राइट। चलो याद रख लेंगे। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम भी क्या है, ऑप्टिकल जो भी लाइट सिग्नल होते हैं उसको ट्रेवल करवाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं। होता क्या है इसके अंदर, अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, एक सेंटर में एक ट्यूब होती है, इसको अपन कोर बोलते हैं, और उसके सराउंडिंग में क्या होती है, एक और ट्यूब होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया मेरे पास क्लैडिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, कम होता है, कम होने का मतलब मेरे पास, इसको क्या ले लो आप, म्यू टू, और इसको बोलते हैं अपन, अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन कोर। कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने क्या ले लिया, म्यू वन। ये दोनों की वैल्यू, इसकी वन, दोनों की वैल्यू 1.5 के आसपास होती है, ग्लास के बने होते हैं, दोनों की वैल्यू 1.5 के आसपास होती है, लेकिन म्यू वन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है,
म्यू वन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, म्यू टू से ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा। कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होगा, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होगा, जब भी कोई लाइट सिग्नल यहां से ट्रेवल कर रहा होगा अंदर गया, राइट, जैसे ही अंदर गया, सोचे आप यहां जैसे अंदर गया, अभी जब क्लैडिंग की सर्फेस पे टकराएगा तो सॉरी कोर और क्लैडिंग का ये क्या है, इंटरफेस, तो रे एक तरीके से क्या, अंदर वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन, म्यू वन की वैल्यू म्यू टू से ज्यादा है, मतलब अंदर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बाहर कम है, मतलब ये डेंसर हो गया रेयर हो गया, तो डेंसर से रेयर में जब रे जाएगी तो क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, अगर आई ग्रेटर देन आई सी हो गया तो रिफ्लेक्टेड बैक, यहां पर बाप रिफ्लेक्टेड बैक, तो इस तरीके से क्या होता है, रे ट्रेवल करती है। अब ये डिपेंड करता है यहां पर कितना एंगल लिया आपने, तो ये थीटा जो होता है, दिस थीटा ये मैक्सिमम एंगल होता है, ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है थीटा मैक्स, तभी मेरा टी आई आर होगा, थीटा की कौन सी मैक्सिमम वैल्यू के लिए टी आई आर होगा, थीटा मैक्स जो होता है इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये आती है साइन इनवर्स, ये याद रखेंगे आप, इसको एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं एक्चुअल में, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्सेप्टेंस एंगल, इस एंगल तक टी आई आर होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल, दिस व्हाट ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक न्यूमेरिकल है आपके पास, क्या है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कि आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ है, आप सोचे यहां से अगर मेरे पास रे निकलेगी, एक तो रे सीधी गई, कुछ रे रिफ्रेक्ट कर गई, कुछ रे सरफेस पे चली गई, ना डेंसर से रेयर में जा रहे हो आप, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे पता है कितना है, म्यू है, और कुछ रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, द सेम वे यहां तक भी होगा, ये हो गई, तो जिस एंगल पे होता है, जिस एंगल पे ऐसा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ नॉर्मल से क्या होता है वो, क्रिटिकल एंगल, ये एंगल जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल, अगर आपको याद हो ये बी वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, आईसी, समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये क्या होगा मेरे पास आईसी, तब यहां पर देखोगे अंदर वाली, यहां से मेरे पास जो रेज होगी ये सारी मेरे को, अब यहां से अगर ऊपर से देखोगे आप तो मुझे एक कुछ सर्कुलर, मुझे यहां पर एक यहां से लेकर यहां तक, यहां ये वाली बाउंड्री है, इस बाउंड्री तक मेरे को सारी की सारी रेज जो है बाहर निकल के आ रही है, तो मुझे एक पॉन्ड के ऊपर स्विमिंग पूल के अंदर मैंने एक तरीके से बल्ब रखा हुआ है, तो मुझे सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक सर्कुलर शेप नजर आएगा, सर्कुलर शेड नजर आएगा लाइट का, राइट, तो उसका एरिया, क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर, उसका एरिया क्या होता है, अगर रेडियस आर है, इसका हाइट अगर एच है, फॉर्मूला ध्यान रखें आप कौन सा, ये मेरे पास आईसी हो गया, तो यहां से जो रेडियस का फॉर्मूला जो निकल के आता है, आर इक्वल्स टू होता है एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन, निकालने का तरीका सेम है, आपके पास ये आईसी है तो ये भी नॉर्मल, ये वाला एंगल भी क्या होगा, आईसी होगा, फिर यहां से देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से आप साइन आईसी लिख लो, साइन आईसी को परपेंडिकुलर ओपन टेन आईसी लिख लो, टेन आईसी इक्वल्स टू है ना, टेन आईसी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओपन बेस कर लो, है ना, फिर वहां से साइन आईसी लिख लो, फिर कोस आईसी को अंडर वन माइनस साइन आईसी स्क्वायर लिख लो, उस तरीके से डेरिवेशन का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, रेडियस अगर एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे आप, राइट, इसको याद रखेंगे एच अपॉन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, सोते नहीं है भाई, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रिज्म की बात करते हैं अपन, देखो प्रिज्म क्या है, ये इस तरह का शेप जो होता है वो प्रिज्म का होता है ना, ये अपन ट्राइहेड्रल प्रिज्म होता है, ये क्या है ट्राइहेड्रल, है ना, प्रिज्म बहुत तरह के होते हैं, ट्राइहेड्रल क्या बोल रहा हूं मैं इसको, ट्राइहेड्रल क्योंकि इसका ट्राइंगल है, ट्राइहेड्रल, कई बार क्या होता है टेट्राहेड्रल भी होता है, अगर मेरे पास स्क्वायर आ जाए तो टेट्राहेड्रल, है ना, शेप मेरे पास चेंज होना चाहिए इसका, तो ट्राइहेड्रल टेट्राहेड्रल, तो इस तरीके से अलग अलग पेंटाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, है ना, ये इस तरीके से होता है मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या हो गया ट्राइहेड्रल एक प्रिज्म है, इसके अंदर ए जो होता है उसको अपन बोलते हैं प्रिज्म का एंगल, प्रिज्म एंगल कौन सा होता है, ये दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेज अगर आप यहां देखो, है ना, ऐसे बना हुआ है, ऐसे शेप बना हुआ है, इधर ये एक सर्फेस है और ये सर्फेस है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है ए, इन दोनों को बोलते हैं रिफ्रेक्टिंग सर्फेस, ए बी जो ए बी सी होता है प्रिंसिपल सेक्शन होता है, अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाऊं, देखो ये रे जो हो रही है यहां से यहां इंसिडेंट करवा रहा हूं मैं, ये जो रे है ना यहां, ये ए बी सी मैंने बनाया प्रिंसिपल सेक्शन, तो देखो ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है ना, ये मेरे पास नॉर्मल से एंगल, फिर ये रे जो होगी वो क्या होगी रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसको मैंने बोल दिया आर वन, और इधर वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं क्या आर टू, और फाइनली जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बैंड अवे, सीधी जाने के बजाय बैंड अवे, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से बैंड अवे, इसको बोल दिया अपन ने वही एंगल ऑफ इमरजेंसी, राइट, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे तो प्रिज्म के अंदर, अब ये रिलेशन अगर आप प्रिज्म के अंदर रिलेशन देखो तो प्रिज्म के अंदर दो रिलेशन आपको अच्छे से याद रखने हैं, कि जो ए प्लस डेल्टा का जो सम होता है वो आई प्लस ई के इक्वल होता है, एक रिलेशन याद रखेंगे आप हमेशा, कई बार न्यूमेरिकल में काम आएगा, है ना, चारों वेरिएबल के अंदर रिलेशन ए डेल्टा, डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, ये देखो ये मेरे पास क्या है इंसिडेंट रे और फाइनली इमरजेंट रे, ये आ गई,
है ना, तो जो रे जो थी एक्चुअल में इधर जा रही थी और फाइनली प्रिज्म से निकलने के बाद में इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई। तो जितने एंगल से डेविएट होती है उसी को तो अपन डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा, ये ए, ये आई और ये ई, इन चारों के बीच में रिलेशन ही होता है। और एक और रिलेशन होता है, ये जो सब ज्योमेट्री से निकाला हुआ है, ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ये दोनों एंगल जो होते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर और इस सर्फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये आर टू। ये हमेशा क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, आर वन प्लस आर टू इक्वल होता है, अपने को याद रखना है। उसके बाद मेरे पास होता है एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो मिनिमम कब होता है। ये मिनिमम कब होता है कि जब भी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम लिख रहा हूं, फॉर डेल्टा टू बी डेल्टा एम क्या होना चाहिए, अगर मैं बोलूं तो ये मेरे पास जो रे है, इस रे को आप बोल दो टी वन टी टू, कि जो रे, पहली कंडीशन क्या होगी, जहां कहीं भी दिखे आपको कि रे टी वन टी टू अगर पैरेलल आ जाए किसके, बेस के, बीसी के, अगर पैरेलल टू बेस आ जाए इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, मिनिमम होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी डेल्टा मिनिमम उसकी कंडीशन लिखवा रहा हूं, जब भी पैरेलल दिखे मतलब डेल्टा मिनिमम है, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस दिखे मतलब डेल्टा मिनिमम है। और जब भी, एक और चीज है, आर वन और आर टू दोनों क्या होंगे, जब ये रे पैरेलल होगी तो सिमेट्री से आर वन आर टू इक्वल आएंगे, और आर वन और आर टू अगर मैं इक्वल कर दूं यहां पर तो आर वन आर टू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए बाई टू के, ए बाय टू। सारे रिलेशन याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के अंदर बहुत बार काम आएगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन के लिए है, समझ में आ रहा है। उसके बाद डेल्टा वर्सेस आई, कि जैसे जैसे मैं आई को चेंज करूंगा वैसे वैसे डेल्टा का वेरिएशन आता है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ये ठीक है, ये ग्राफ मेरा इस तरीके से कुछ आता है, पहले डिक्रीज होता है आई बढ़ाने पर, पहले डेल्टा डिक्रीज होगा फिर डेल्टा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप देखोगे इधर स्लोप मेरे पास ज्यादा है और इधर स्लोप मेरे पास कम है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल यू शेप नहीं होता है ना, ये ध्यान से देखिए, अगर आपको थोड़ा फील आ रहा हो है ना, इधर और इधर का डिस्टेंस, ये समझ में आ रहा है। तो इधर मेरे पास स्लोप क्या है, इधर स्लोप जो है वो मेरे पास क्या होता है, इस कर्व के अंदर इधर स्लोप कम होता है और इधर स्लोप मेरे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां पर क्या है, ये क्या है मेरे पास, डेल्टा की मिनिमम वैल्यू आ गई। डेल्टा क्या हो रहा है, पहले डेल्टा डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं ये मिनिमम है, मतलब ये क्या हो गया, डेल्टा एम। और मिनिमम कब होता है, जब आई की वैल्यू ई के इक्वल होती है, तो इस पॉइंट पर आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल हो जाएगा। तो आई इक्वल टू ई पर क्या होगा, डेल्टा मिनिमम हो गया। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसका ग्राफ होता है, राइट। उसके बाद देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मुझे म्यू निकालना है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जनरली सराउंडिंग में जो म्यू होता है वो वन लेते हैं अपन, पर कभी एग्जाम के अंदर आ जाए तो एक्चुअल में म्यू जो होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग है। ये म्यू, अगर मैं यहां पर म्यू लिखूं तो ये म्यू जो है वो क्या है, म्यू टू अपॉन म्यू वन है, एक तरीके से देखा जाए तो। म्यू टू तो हो गया म्यू और सराउंडिंग में क्या है, वन है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, म्यू टू अपॉन म्यू वन की वैल्यू किसकी आएगी, म्यू के इक्वल आएगी। तो हमेशा ध्यान रखें सराउंडिंग के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हमेशा ध्यान रखना है, है ना। तो जो भी म्यू होता है वो क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो म्यू अपॉन वन, उसी को म्यू अपॉन म्यू वन को अपन नहीं बोल रहे हैं। अब देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू निकालना है। अब देखो म्यू का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहां से अगर आप देखें मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं यहां पर तो क्या होगा, आई मल्टीप्लाइड बाय वन, यहां पर म्यू कितना है वन, ये म्यू वन हो गया। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो मैं वन है ना, वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन, म्यू साइन अंदर वाला एंगल कितना है साइन आर वन। तो यहां से देखो म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू जो आएगा वो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर वन। एक ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, कई बार न्यूमेरिकल में काम आएगा। और इसी से आगे डेराइव करोगे आप, आई आई को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन आई, अगर आई यहां से लिखूं मैं मिनिमम डेविएशन की टर्म्स में, अगर मुझे फॉर्मूला निकालना, अगर मिनिमम डेविएशन दिया हुआ हो है ना, तो उसकी टर्म्स में फॉर्मूला कैसे आएगा, आई और ई इक्वल हो गए मिनिमम डेविएशन के लिए, तो टू आई हो गया। तो आई को क्या लिखूंगा मैं, ए प्लस डेल्टा, और डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। तो यहां से म्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू, एंगल के अंदर है पूरा ये, है ना, म्यू इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाय साइन आर वन। आर वन क्या हो जाएगा, क्यों आर वन आर टू भी क्या होता है, ए बाय टू इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ डेल्टा मिनिमम के लिए है, डेल्टा एम के लिए है, समझ में आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर क्या आ सकता है, अगर मैं बोलता हूं ए स्मॉल हो, ए स्मॉल मतलब क्या हो गया, थिन प्रिज्म, सोच के देखें है ना, ए अगर स्मॉल है, ये ए है मेरे पास, अगर ए स्मॉल ले लूंगा मतलब ऐसे, तो प्रिज्म की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब ए स्मॉल, ए स्मॉल का मतलब क्या हो गया, ये एंगल स्मॉल, और एंगल अगर स्मॉल होगा तो साइन थीटा हो गया, लिखोगे थीटा, तो इस और इस तरीके से ए स्मॉल है तो साइन थीटा हो गया, लिखा थीटा, तो ये आ जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो ए प्लस डेल्टा एम बाई ए आ जाएगा। तो इधर से मैं रिलेशन, इधर से आप डेल्टा एम का एक और रिलेशन लिख पाओगे आप, डेल्टा एम का एक और रिलेशन आता है यहां से, डेल्टा एम इक्वल्स टू यहां से मेरे पास क्या होगा, ए कॉमन लोगे आप और ये आएगा मेरे पास म्यू माइनस वन, है ना, डेल्टा एम का एक और रिलेशन।
ये याद रखना है, लेकिन ये किसके लिए है, थिन लेंस की कंडीशन में है ना, गड़बड़ नहीं करना है, थिन लेंस वाली कंडीशन में है, राइट। चल हाला यार सही लग रहा हूं मैं, ओके चलो आगे देखें अपन। देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपको निकालना फाइंड डेल्टा एंड ई। इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना डेल्टा और ई। देखो क्या होगा, सिंपल स्नेल्स लॉ, फॉर्मुला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मुला याद रखने की जरूरत नहीं है, स्नेल्स लॉ लगाएं आप हमेशा, क्योंकि फॉर्मुला याद करो कहीं मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि बेसिक आपको एकदम क्लियर है। यहां पर लगाओ देखो क्या होगा, इधर म्यू कितना है, वन है, सराउंडिंग में क्या एयर है, तो क्या लिखोगे, वन साइन 60 इक्वल्स टू, इधर अगर आप देखोगे ये क्या होगा मेरे पास आर वन, और इधर कौन सा रूट थ्री है, तो रूट थ्री साइन आर वन। तो यहां से देखो साइन आर वन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, अगर आप देखोगे ये कितना रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री कैंसिल, ये आएगा मेरे पास वन बाई टू साइन सिक्सटी, रूट थ्री बाई टू तो होता है हाँ रूट थ्री, ये और ये रूट थ्री, तो ये आएगा साइन आर वन कितना आ गया वन बाई टू, तो आर वन की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 30 डिग्री, आर वन 30। अब मुझे क्या निकालना है, देखें आप यहाँ पर ये मेरे पास एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए आर टू चाहिए। देखो एंगल ऑफ इमरजेंस मुझे अगर निकालना है तो एंगल ऑफ इमरजेंस आर वन आ गया, तो आर टू कितना होगा, आर टू कितना होगा ए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए कितना है 60 डिग्री, क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ए 60 है, तो आर टू की वैल्यू क्या होती है ए में से 30 माइनस करो, है ना, आर वन प्लस आर टू का सम हमेशा क्या होता है ए के इक्वल होता है, तो ये आएगा मेरे पास कितना 60 माइनस 30 कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री, आर टू आ गया मेरे पास कितना 30 डिग्री, राइट, आर टू 30 डिग्री आ गया मेरे पास। अब यहां से देखें आप, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू है, ठीक है, अब यहां से साइन आई सी देखें आप, साइन आई सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन म्यू होता है 1 अपॉन रूट थ्री, साइन आई सी कितना है 1 अपॉन रूट थ्री, तो ये और यहां पर मैं एक्चुअल में मेरे पास साइन आई जो कि कितना है साइन आर टू है, वो देखो आप कितना आ रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर देखना, अब रे जो है वो डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, तो मुझे यहां चेक करना पड़ेगा क्योंकि टी आई आर तो नहीं हो रहा है, तो टी आई आर के लिए मेरे पास क्या होगा साइन आई सी देख लिया 1 बाय रूट थ्री, साइन आर टू देख लो, साइन आर टू मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब 1 बाय टू, तो साइन आई साइन आर टू इसकी वैल्यू देखो कितनी है 0.5, ये कितना है ये होता है 0.6 और ये कितना होता है 0.5, तो साइन आई की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, यहां पर देखो अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू साइन आई की वैल्यू क्या आ रही है आई से ज्यादा आ रही है ना, तो यहां पर मेरे पास क्या पर होगा, यहां पर क्या होगा साइन आई सी की वैल्यू 0.6 है और साइन आर टू की वैल्यू मेरे पास क्या 0.5 है, ये एक तरीके से क्या इस सरफेस के लिए क्या है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब आर टू आई सी जो होगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा आर टू, सोच के देखें जितनी साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही एंगल भी ज्यादा होता है ना, ये 0.5 है, तो ये इसके कहीं ना कहीं आई सी की वैल्यू आर टू से क्या आएगी ज्यादा आएगी, अगर आई सी की वैल्यू आर टू से ज्यादा है इसका मतलब कोई टी आई आर नो टी आई आर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या एंगल ऑफ इमरजेंस आएगा मेरे पास, तो बस एंगल ऑफ इमरजेंस, अब यहाँ टी आई आर नहीं होगा तो उसके बाद में क्या एंगल ऑफ इमरजेंस लगा लो आप यहाँ पर, देखो क्या होगा साइन आर टू क्या लिखोगे आप रूट थ्री साइन आर टू, यहाँ पर लगाओ आप रूट थ्री साइन आर टू इक्वल्स टू सराउंडिंग में क्या है वन साइन आई साइन ई, बस यहाँ से देख लें आप साइन ई कितना हो गया, तो साइन आर टू की वैल्यू साइन आर टू कितना है मेरे पास वन बाई टू, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना रूट थ्री बाय टू, ये कितना हो गया रूट थ्री बाय टू इक्वल्स टू साइन ई, तो देखो ई कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ई कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, क्लियर। अब देखो और क्या निकालना है मेरे को, डेल्टा निकालना है, डेल्टा के लिए क्या है इक्वेशन, देखो वो वाली इक्वेशन ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ए पता है मेरे को 60 डिग्री, डेल्टा निकालना है आई कितना आया था एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, इमरजेंस कितना आया सब 60 है, 60 से 60 कैंसिल, तो डेल्टा भी कितना आ गया 60, ये डेल्टा भी आ गया, समझ में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहां पर कंडीशन फॉर नो लाइट टू पास थ्रू प्रिज्म, ये मतलब कोई कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई लाइट जो है वो क्या हो प्रिज्म से पास नहीं हो, मतलब यहां से बाहर नहीं निकले, बाहर नहीं निकलने के लिए मतलब क्या हो जाए टी आई, ये तो मेरे पास बाहर निकलने वाला न्यूमेरिकल करवाया, अब डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, हमेशा याद रखें अगर कोई यहां टी आई आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखें कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा क्या आ जाए 2IC से ज्यादा आ जाए, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा 2IC से ज्यादा आएगा है ना, आईसी का फॉर्मुला निकाल सकते हैं अपन साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू से अपन आईसी निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा जो होगा टी आई आर अकर्स है ना, इस कंडीशन में क्या होगा टी आई आर अकर्स, और अगर मेरे पास एक इक्वल टू 2IC हो गया और अगर मेरे पास क्या हो गया यहां पर अगर आप देखेंगे ए इक्वल्स टू 2IC हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब सरफेस जो रे जो होगी वो टी आई आर की जगह क्या जाएगी सरफेस के अलोंग जाएगी, सरफेस के अलोंग जाएगी मतलब ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री, ई कितना आ जाएगा
90 डिग्री, समझ के देखें आप, समझ में आ रहा है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस है ना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन की बात करें अगर अपन, रिफ्रैक्शन का कोई भी स्फेरिकल सरफेस है ना, जब रे इधर से उधर ट्रेवल करती है तो एक रिफ्रैक्शन का एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, सपोज ये मेरे पास एक रिफ्रैक्शन सरफेस है, म्यू वन इधर है, म्यू टू इधर है, अभी मैं समझने के लिए म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन ले रहा हूँ फॉर टू अंडरस्टैंड। क्या होगा, जो भी रे ट्रैवल करेगी, ये मेरे पास रे ट्रैवल कर रही है इधर, ये इसका इसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल। तो रे रेयर से डेंसर में ट्रैवल कर रही है, इट विल बैंड सीधी जाने के बजाय बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इधर कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगी, और एक और रे यहाँ से आ रही है बिल्कुल, ये भी मेरे पास क्या नॉर्मल ही है, तो सीधी जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, तो दोनों इंटरस जहाँ पर मिलेगी रिफ्रैक्टेड रे, जो भी रेज ये रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मिलेगी वो क्या हो गया मेरा इमेज। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है अपन यू लेते हैं, और इमेज की डिस्टेंस अपन क्या लेते हैं वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास आर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है आपके पास में क्या, कि वन अपॉन सॉरी म्यू टू अपॉन, ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है, म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू अपॉन वी, म्यू वन अपॉन यू है ना, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, इसके अंदर दो बातें अपने को क्या ध्यान रखनी है सभी को विद साइन प्लेस करना है, प्लेस ऑल वेरिएबल्स विद साइन, जैसे आर तो क्या पॉजिटिव ही है, तो आर क्या मतलब वही साइन कन्वेंशन, वही इधर वाला मेरे पास, इधर वाला जो भी होगा वो पॉजिटिव, और इधर मेरे पास क्या आएगा वो भी आएगा नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, एक ही चीज। दूसरी चीज अपने को यहां पर क्या ध्यान, दूसरी चीज अपने को यहां पर क्या ध्यान रखनी है कि म्यू वन जो है वो कौन सा मीडियम है जहां पर इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, म्यू वन जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे, और जो म्यू टू जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ये आपको बस इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो आपका काम होगा है ना। म्यू वन से म्यू टू में रे जा रही है, कुल मिला के ऐसा ध्यान रखे, रे म्यू वन से म्यू टू में रे जा रही है, म्यू वन से जैसे वहां ध्यान रखा था ना, म्यू टू में रे जा रही है, खत्म। जैसे अपने पास शिफ्ट के डी डेज वाला फॉर्मूला था ना, वहां पर म्यू टू से म्यू वन में आ रही थी, यहां पर क्या जा रही है, काट डालूंगा इसको, वायरलेस मेरे को कोई गिफ्ट कर दो मेरे को फटाफट, वायरलेस, ये वायर्ड कम्युनिकेशन से मैं परेशान हो चुका हूं, कोई वायरलेस गिफ्ट कर रहा है क्या, एड्रेस डालता हूं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन अपने पास क्या हो सकते हैं, मेरे पास एक स्फेरिक एक स्फीयर है कंप्लीट, वहां पर मेरे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है, मुझे फाइनल इमेज बतानी है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर का 1, इसका रेडियस मेरे पास 10 है, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं, रे जब इधर से इधर ट्रेवल करेगी, रे इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, तो रे जब ट्रेवल कर रही है कहां से कहां, 1 से, रे कहां से कहां, म्यू 1 से म्यू 2 में ट्रेवल करती है, म्यू 1 से म्यू 2 में ट्रेवल करती है, तो सबसे पहले अपन इधर की बात करते हैं, ठीक है, इस सरफेस के लिए मैं बात करता हूं पहले एबीसी, मैं बात करता हूं पहले एबी सरफेस, एबीसी के लिए, एबीसी के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ, देखो मेरे पास ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही तो है, म्यू 2 अपॉन वी, म्यू 2 अपॉन वी है ना, क्योंकि मुझे फाइनल इमेज अगर निकालनी है, फाइनल इमेज इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आएगी, और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर इमेज निकालनी है तो इस सरफेस का ऑब्जेक्ट का पोजीशन मुझे पता होना चाहिए, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां से आएगा, इस सरफेस से जो इमेज बनेगी वो इस सरफेस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इस सरफेस का क्या निकाल लो, इमेज निकाल लो, तो इस सरफेस का इमेज जो है मैं वो क्या बोल रहा हूं, वी वन, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, वी वन, तो फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू टू अपॉन वी वन, म्यू टू क्या है तेरा 1.5 है ना, म्यू टू अपॉन वी, तो 1.5 अपॉन वी वन माइनस कहां से आ रही है, 1 से आ रही है, तो 1 अपॉन यू, यू कितना है माइनस 30, विद साइन प्लेस करना है राइट, बराबर कितना आ गया, म्यू टू माइनस, ये ऊपर वाले को माइनस कर दो, 0.5 अपॉन आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के राइट साइड में है, मतलब पॉजिटिव, ये हो गया, तो देखो कितना आ गया, तो 1.5 अपॉन वी वन इक्वल्स टू, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, ये तो ये कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाओ सो दिया जाएगा 1/20, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस, उधर जाके प्लस, ये आ जाएगा माइनस 1/30, तो फाइनली देखो यहां से मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया 600, और इसको करो रे कितना हो गया 60 63, माइनस कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो माफ करना भाई लोगों, 1.5 अपॉन वी वन कितना हो गया मेरे पास, सही है क्या,
30 हो गया 20 30 60 3 माइनस 2 1 बटा 60 तो कितना हो गया तेरा v1 आ जाएगा तो v1 आ जाएगा 1.5 into 60 तो ये आ जाएगा 90 सेंटीमीटर v1 कितना आ गया 90 सेंटीमीटर मतलब यहां से डिस्टेंस जो होगी वो यहां से 90 सेंटीमीटर ये टोटल कितना है 20 सपोज ये मेरे पास क्या है इसको बोल देता हूं मैं i1 तो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या हो गया मेरे पास ये v1 हो गया ठीक है ये मेरे पास क्या हो गया v1 अब इस सरफेस के लिए वापस फॉर्मूला लगाना है इस सरफेस के लिए a b c मैं अब लगा लेता हूं adc के लिए adc के लिए अपन फार्मूला लगाते हैं ऊपर ही लगा लो यहां पर है ना adc के लिए है ना adc के लिए फार्मूला लगाता हूं adc के लिए क्या होगा अब कहां जा रही है इधर से उधर जा रही है 1 में जा रही है जहां जा रही है वो लिखो अपॉन v फाइनल इमेज मुझे क्या लिखनी है v माइनस कहां से आ रही है 1.5 से आ रही है अपॉन अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब i1 जो है वो इसके लिए क्या है ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं आप पोल जिसको बोलते हो आप यहां से तो ये वाला डिस्टेंस कितना है देखो ये टोटल कितना है 90 आया था अपने पास 90 में से 20 गया तो ये मेरे पास कितना आ गया 70 सेंटीमीटर अब ये राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा इक्वल्स टू दोनों को माइनस कर दो आप 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर r अब ये r क्या है इधर है ना इस सरफेस के लिए r क्या होगा नेगेटिव तो ये कितना आ गया माइनस का 10 तो देख लो यहां पर कितना हो गया तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू ये कितना हो गया ये हो जाएगा 15 बटा 700 और इधर माइनस माइनस कैंसिल हो गया ये 5 से 100 तो ये हो जाएगा 1 बटा 20 आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको है ना ये उधर जाके तो ये फाइनली मेरे पास कितना आएगा इसका वो कर दो 700 आ गया मेरे पास ये हो जाएगा 15 प्लस 00 कैंसिल कितना हो गया 35 कितना आ गया 50 बटा 700 तो कितना आ गया 1 बटा 14 तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर v की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव में 14 मतलब फाइनल इमेज तेरी यहां पर कहीं आएगी यहां से यहां पर ये फाइनल इमेज आएगी कितने 14 सेंटीमीटर पर राइट समझ में आ गया ये आपका आंसर है उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर अब यहां पर मेरे पास क्या है मिरर आ गया मिरर से पहले मेरे पास एक मीडियम दे दिया मैंने और ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया सेम क्वेश्चन अपन ने वहां पर भी किया था यहां पर अपन रिफ्रैक्शन फार्मूला से करते हैं शिफ्ट से किया था है ना क्योंकि शिफ्टिंग के अंदर क्या थी प्लेन सरफेस थी प्लेन सरफेस पे शिफ्टिंग यूज कर लो और इसके अंदर कर्व सरफेस के अंदर रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज कर लो सिंपल तो देखो यहां पर रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करोगे फर्स्ट इस सरफेस के लिए यूज करोगे तो कहां जा रही है 1.5 में जा रही है लिख लेता हूं मैं यहां पर ये ए बी और ये सी सरफेस तो ए बी सी सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या जहां जा रही है वो लिखो इसके लिए मैं सबसे पहले इमेज लिख रहा हूं उसको बोल रहा हूं मैं v1 फिर माइनस जहां से आ रही है बाहर क्या है 1 है तो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है 30 इधर है मतलब माइनस का 30 बराबर कितना हो गया ये दोनों माइनस कर दो 1.5 माइनस 1 कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय r r मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा इसका राइट में आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये कितना हो गया 10 तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 ये सेम ऐसे ही आ रहा है क्या देखना 1.5 अपॉन v1 माइनस 30 और ये तो वही हो गया देख यहां से सीधा लिख लूं मैं v1 देख कितना आ गया 90 तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई देख मजा आ गया यार v1 कितना आ गया 90 सेंटीमीटर अब ये v1 जो 90 सेंटीमीटर आया है मतलब यहां से प्लस 90 मतलब यहां के आएगा अब ये जो भी आया है ये इस मिरर के लिए क्या होगा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आ गया मतलब ये जो इमेज जो आई मेरे पास i1 जिसको मैं v1 बोल रहा हूं और ये कितना आ गया 90 सेंटीमीटर तो ये बचा हुआ कितना है 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर पे क्या होगा मिरर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो मिरर की इमेज बना लो आप देखो फाइनल इमेज निकालनी इस क्वेश्चन के अंदर फाइनल इमेज कैसे आएगी इसके लिए पहले रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो इससे जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी फिर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट बना उससे वापस फाइनल इमेज निकालो फिर इमेज वापस जो होगी वो क्या उसके लिए वापस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे पास क्या आएगा फाइनल जैसे शिफ्ट भी दो बार करते थे एक इंसिडेंट रे के लिए और एक वापस रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो सेम यहां पर भी दो बार रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा तो ये आ गया v1 अब मुझे यहां पर क्या करना है अब यहां से थिन लेंस मिरर फॉर्मूला लगाओ आप यहां पर देखो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है 1 अपॉन v क्या था 1 v निकालना है ना तो v इक्वल्स टू क्या होगा uf अपॉन u माइनस f तो v देखो ये v भी क्या है फाइनल इमेज नहीं इसको v1 ले ले सॉरी v1 तो हो गया है इसको v2 ले लो आप तो v2 इक्वल्स टू u कितना हो गया 30 इस मिरर के लिए तो ये हो जाएगा माइनस 30 और f क्या है कॉनकेव मिरर है कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस 20 और माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10 10 टू जा तो ये v2 इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर v2 माइनस 60 सेंटीमीटर आ गया मतलब इस मिरर से बनने वाली इमेज मेरे पास कहां आएगी
ये यहां पे आएगी ना, यहां पे आएगी ये, इसको मैंने बोल दिया I2, और ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर है ना, माइनस में आ रहा है, इसलिए ये मेरे पास क्या आ गया I2, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये अपना V2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अब ये इमेज फाइनल जो आई है, अब ये इमेज यहां पर जो अभी ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि इसको वापस इस मीडियम को क्रॉस करके वापस एयर में आना है, तो जाके मेरी फाइनल इमेज बनेगी। तो वापस रिफ्रेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो वापस रिफ्रेक्शन फॉर्मूला किसके लिए लगाओ, वापस रिफ्रेक्शन फॉर्मूला लगाओ आप। ये तो इधर जाते हुए, अब रिफ्रेक्शन फॉर्मूला लगाना है इधर आते वक्त, इधर जाते वक्त, अब इधर जाते वक्त फंस गया, हाँ, अब इधर जाते वक्त, इधर जाते वक्त मतलब कहां जा रहे हो आप, वन में जा रहे हो, तो वन अपॉन फाइनल इमेज निकाल ली मुझे वी माइनस, कहां से जा रहे हो, 1.5 से जा रहे हो, तो 1.5 अपॉन यू, यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ये, अब ये जो होगा वो इस सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूं मैं आपको, है ना, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने आपके। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, देखो टोटल कितनी है, 120, तो ये टोटल कितनी 120, तो ये डिस्टेंस यहां से 60 है, तो यहां से कितना होगा 60 होगा, और वापस माइनस 60 आएगा, सोच के देखें आप, क्योंकि इंसिडेंट रे, समझ में आ रहा है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जो जो भी पोजीशन लेते हैं वो हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 60 बराबर, इन दोनों को माइनस करो, ये माइनस का क्या आ गया 0.5 डिवाइड बाय आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सरफेस ऐसे है, रे ऐसे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर आएगा इंसिडेंट रे के वापस अपोजिट डायरेक्शन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 10, कितना आएगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, वापस सेम आया गया यार, फिर कॉपी पेस्ट कर लो, अरे यार नहीं है, तो देखो 1 अपॉन v इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाएं आप, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1.5, इसको पॉइंट हटा दो 0, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 अपॉन 600, और उधर ऑलरेडी है 0.5 से, ये आ जाएगा मेरे पास 5/100, तो यहां पर सॉल्व कर लो आप, ये 1 अपॉन v ये कितना आ गया 600 एलसीएम हो गया, तो कितना हो गया मेरे पास ये माइनस 15 प्लस, हाँ जीरो उड़ा दो जो भी यार, मतलब थोड़ा सिंपल लग रहा था मुझे, इसलिए एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस 15 और ये 6 5 चंग 30, तो ये हो जाएगा तेरा 15/600 कितना होता है 40, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, V कितना आया 40 सेंटीमीटर आया, 40 सेंटीमीटर मतलब फाइनल इमेज 40 सेंटीमीटर, अभी ये डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव है, तो फाइनल इमेज क्या आएगा यहां से इस डायरेक्शन में 40, मतलब यहां कहीं ये मेरी फाइनल इमेज हो गई 40 सेंटीमीटर पर। हेलो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप, स्क्रीनशॉट ले लिया आई थिंक, चलो ठीक है, आज का ये फाइनल लास्ट क्या कहते हैं, बस यही सेशन ओवर करेंगे, क्योंकि एक डेढ़ एक सवा घंटे की क्लास हो चुकी है, कल बस कंक्लूड करेंगे अपन, है ना, कल अपन क्या पढ़ेंगे, लेंसेज पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दो मेजर टॉपिक रह गए हैं, फिर छोटा मोटा डिस्पर्शन स्कैटरिंग छोटे छोटे टॉपिक भी बीच में कहीं घूमते हुए गोता खाते हुए आएंगे, है ना, कल कंक्लूड करेंगे चैप्टर को, देखना ना भूलें आप, ऑप्टिक्स का अंतिम दिवस कल अपन मनाने जा रहे हैं, वो भी रे ऑप्टिक्स का, उसके बाद अपन वेव ऑप्टिक्स एक ही शॉट में करवाऊंगा मैं, वेव ऑप्टिक्स को कोशिश करूंगा मैं, राइट। तो जो लोग पहली दफा आए हैं जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, सेम नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है एक्सपोनेंशियल फिजिक्स नाम से, और यहां पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें आप, और लोगों तक नहीं फैलाया है तो जल्दी से लोगों तक फैला लें, क्योंकि मेरा नाम है जेपी चौहान, मैं कर रहा हूं आपका छोटा मोटा काम, आपको भी मेरा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और लोगों तक पहुंचाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, अगर आप लास्ट तक आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका परोपकार मुझ पर हमेशा बना रहे, लोगों पे भी बनाए रखें आप, लोगों तक फैलाएं जिनको वाकई जरूरत है, राइट दोस्तों। सो कल वापस मिलेंगे कितनी बजे, वापस कितनी बजे मिलेंगे अपन, कल 7 से 8 के बीच में सेम टाइम कल वापस मिलने वाले, सो थैंक यू सो मच, वापस मिलते हैं अपन, बाय बाय, जाऊँ क्या, गुड नाइट, बाय।